लव यू करण, आई लव यू सो मच। मम्मी कॉफी। हेलो। हाँ बोलो रानी। अरे निकलना है ना, क्या अभी तक बिस्तर में ही हो? अरे सुन ना, करण आज भी सपने में आया था। मैंने कुछ नहीं किया सच्ची बाबा। मिलेगी ना तो बोलूंगी तुझे। आजकल ना कुछ ज्यादा ही सपने देखने लगी हूँ करण के। सामने आता है तो बात भी नहीं कर पाती, कम से कम सपने में तो बात कर सकती हूँ। अच्छा लड़का है ना, लेकिन मैं कैसे बोलूँ यार उसको, क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? चुप, तुम क्यों बोलोगी? जब बोलना है तब मैं बोल दूंगी, मेरी मर्जी। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि हम रोज मिलते हैं। मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड का लड़का है। हाँ कभी कभी आता है घर पे। नहीं ना, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाती उससे। वो भी बड़ा शर्मीला है, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं करण कब मुझे आई लव यू बोलेगा। चल ओके बाय। अरे बाबा रख ना फोन, मुझे भी रेडी होना है। ओके बाय बाय। हाय। तुम बैठो, मैं अभी आई कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू। उसमें थैंक्स की क्या बात है, अभी आई। ओके okay. शैतान की बच्ची, मरेगी नहीं कभी तू। ये सुनना, गेस व्हाट, करण आया है। हाँ हाँ बाबा। सुनना, और घर पर भी आज कोई नहीं है। पता नहीं यार आज कैसे आ गया। क्या किस करूं, क्या सोचेगा वो, कुछ भी। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके बाबा, कोशिश करूंगी। बाय। कॉफी।
थैंक यू। मम्मी कहाँ है? मम्मी तो सुबह से बाहर गई है। तो तुम अकेली हो घर में? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। पापा कब आएंगे तुम्हारे? पापा तो शाम को ही आएंगे। क्यों, पापा के पास कुछ काम था? नहीं, काम तो तुम्हारे पास ही था। थैंक गॉड। एनीवेज, कॉफी कैसी लगी? अच्छे। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुम्हें इतने नजदीक से देखा नहीं था ना, इसलिए वही सोच रही थी। तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन जब भी तुम घर पर आते तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहता था। हाँ। कॉलेज में भी तुम नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। वो तो है, कॉलेज में भी मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही था। वैसे भी कॉलेज के सबसे पढ़ाकू लड़के तुम ही हो ना। पढ़ाकू वड़ाकू कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पढ़ाई करता था। इसीलिए मेरे से ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे आते हैं। नहीं ना, तुम भी ना। तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, फिर से हंसो ना। तुम भी ना। नैना, एक बात बोलू? बोलो ना, कुछ खास है मेरे लिए? प्लीज जल्दी बोलो ना। मैं तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता हूँ। मम्मी कहती है मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, हमेशा दांत दिखाती रहती हूँ। पर मुझे अच्छा लगता है। तुम कितने अच्छे हो, मुझे कितना समझ के लेते हो, और मम्मी भी ना। मम्मी के बात का बुरा नहीं मानते, आखिर मम्मी है ना तुम्हारी। वो तो है, लेकिन पापा कभी कुछ नहीं कहते। उनकी मैं लाडली हूँ ना। तुम्हारे घर में तुमसे ज्यादा प्यार कौन करता है? वैसे तो मैं दोनों का लाडला हूँ, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक ही बात कहती है कि बाइक स्लो चलाया कर, हमेशा हेलमेट पहना कर, ये वो। सही तो कहती है मम्मी। नहीं ना, तुम भी ना। चलो छोड़ो बाइक को। करण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बोलो, वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है। करण, आई लव यू। आई लव यू नैना। मुझे भी तुमसे यही बात कहनी थी, पर आज का दिन वो आ ही गया जो तुमने मुझसे कह दिया। पर नैना, अभी उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो तुमने मुझसे आई लव यू कहा, फिर अभी ये सब क्यों? तुम उसे कुछ छुपा रहे हो? क्या हुआ, बोलो ना करण, प्लीज कुछ बोलो ना, प्लीज बोलो ना। क्या हुआ करण, बोलो ना प्लीज, क्या हुआ करण? पापा, क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों हो? एक मिनट, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पापा। पापा, आपको पता है कौन आया है? कौन? करण आया है।
करण, ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ पापा? करण आया, आपको अच्छा नहीं लगा? पापा रो क्यों रहे हैं? बेटा करण, करण मर चुका है बेटा। नहीं, ये कैसे हो सकता है पापा? हाँ बेटा, हाँ। पापा अभी तो हम दोनों ने कॉफी पी, आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? ना ना बेटा, करण की बाइक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और वो हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? अभी तो यही था करण। मैं देख के आती हूँ। करण, करण शायद वॉशरूम गया होगा। करण, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यही था। हमने यहाँ बैठकर कॉफी पी, देखिए वहां दो कप भी रखे हुए हैं। I love you, Karan. I love you.